दोस्तों, कई दिनों से कुछ साथी बार बार कमेंट कर रहे थे कि उनके मन में एक डाउट था कि जो थ्री फेस का हमारा जो जनरेटर होता है, जो अक्सर इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है, वो 500 केवीए का है और 415 वोल्ट जनरेट कर रहा है, वोल्टेज दे रहा है, तो वह कितना करंट देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और यह भी कैलकुलेट करेंगे कि वह कितना करंट देगा और वह कितने किलोवाट का होगा। ठीक है, वो कितने किलोवाट का एनर्जी, कितने किलोवाट देगा और कितना करंट देगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, और जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पे कमेंट किया है उन सारे साथियों को इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों, जितने भी आप लोगों ने कमेंट किए हैं और आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, आपके मन में भी जो भी डाउट हो वो भी आप कमेंट करिए, तो वो सारे के सारे प्रश्न दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके मैं सारे प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों को दूंगा एक अच्छे से अच्छी वीडियो बना करके। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, हमें यह पता है इस टॉपिक पे कि हमारा जो जनरेटर है वो थ्री फेज का है, 500 केवीए का हमारा जनरेटर की जो कैपेसिटी है वो 500 केवीए की है और जो जनरेटिंग वोल्टेज है वो 415 वोल्ट का है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं कि यह कितना करंट देगा। तो देखिए, इसमें जो सिंपल सी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे यदि आप रख देंगे इस पूरे मैटर को, इस पूरे जितने भी आपको दिए गए हैं जो जो चीज़ें, तुरंत इसका आंसर निकल आएगा। तो देखिए, फार्मूला होता है एम्पियर इज इक्वल टू के वी ए, ठीक है, इनटू 1000। ठीक, क्योंकि के वी ए जो होता है दोस्तों वो किलो वोल्ट एम्पियर होता है, इसीलिए 1000 का इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, बटे, अब देखिए वोल्टेज जो हमारा होगा इनटू √3, क्योंकि थ्री फेस का है इसलिए हम √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर सिंगल फेस का होगा तो जो हमारा √3 है उसका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करें, अगर इसी सेम इस पूरे फार्मूले पे इस मान को हम रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए केवीए कितना है हमारा, 500 केवीए का जनरेटर है, 500 × 1000, ठीक है, बटे 415 वोल्ट हमें दिया गया है। ठीक है, इनटू √3 का मान होता है 1.732। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 × 5, ठीक, देखिए 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 1 2, तो 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, 5 हो गया ना, बटे 415 × 1.732 का जब हम गुणा करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 718.78। ठीक है, अब इसको हम दशमलव हटा देंगे, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, अब हम 718.78 का हम डिवाइड करेंगे इसमें तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 695 एम्पियर। तो दोस्तों, हमारा जो जनरेटर होगा वह 500 केवीए का अगर है थ्री फेस का और 415 वोल्ट जनरेट कर रहा है तो वह 695 एम्पियर देगा। ठीक, लेकिन यह तो 695 एम्पियर हो गया, लेकिन इसके बाद अब यह डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आप लोड कौन सा जोड़ रहे हो, आप रेजिस्टिव जोड़ रहे हो, कैपेसिटिव जोड़ रहे हो या इंडक्टिव जोड़ रहे हो, आप कौन सा लोड जोड़ रहे हो इनमें से। क्योंकि देखिए, जो जनरेटर होता है उसमें हम रेजिस्टिव तो जोड़ लोड जोड़ते ही जोड़ते हैं, इंडक्टिव भी जोड़ते हैं, लेकिन कैपेसिटिव लोड नहीं जोड़ते हैं जनरेटर के साथ में। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा जनरेटर, जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो डिजाइन ही किया जाता है 0.8 पावर फैक्टर पे। ठीक है, इसलिए हम इसके साथ जो हमारा कैपेसिटर होता है उसको नहीं जोड़ते हैं। तो आपको इस लोड को तो छोड़ ही दीजिए, आपको रेजिस्टिव और इंडक्टिव दो लोड जोड़ने हैं, उसी के अनुसार ये कुछ करंट इसका और वेरी करेगा, कुछ घटेगा। ठीक है, अगर आप रेजिस्टिव जोड़ देंगे तो सेम यही आपको मिल जाएगा। ठीक, अब एक चीज और है कि कुछ साथियों ने ये भी कमेंट किया था कि वो कितने किलोवाट का जो है हमें कितना किलोवाट जनरेट करेगा। तो 695 एम्पियर है, इसका हम अगर किलोवाट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है P = √3 × V × I × cos φ, ठीक है, बटे 1000।
जो वैल्यू आएगी इसमें वो वाट में आएगी, उसको आपको किलो वाट में बदलना है, तो 1000 का आप भाग दे देंगे तो वाट में आ जाएगा। अब देखिए इज इक्वल टू, तो रूट थ्री का मान है 1.732 इंटू वोल्टेज है हमारा 415 वोल्ट इंटू आई, आई का मान है हमारा 695 एम्पियर, 695 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई का हमारा मान लीजिए मान है 0.8 बटे 1000। ठीक है, अब हम इसको मल्टी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.732 415 और गुड़े 695 इंटू 0.8 इन सब का गुड़ा जब आप करोगे तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 399641.68, इतना आ जाएगा, यह किलोवाट में आएगी वैल्यू। ठीक है, किलो वाट, अब इसको आपको वाट में बढ़ाना है, सॉरी ये दोस्तों वाट में आएगी वैल्यू। ठीक है, ये वाट में आएगी, अब आपको इसको किलो वाट में बढ़ाना है तो आप इसमें बटे 1000 का आप डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो देखिए जब 1000 का आप ये तीन का आप तीन जीरो हटाएंगे तो तीन जीरो यहां बढ़ के आ जाएगा। ठीक है, यहां पे जो दशमलव है यहां सूट करके यहां पे आ जाएगा, तो हमारा जो मान आ जाएगा वो 399.64 किलोवाट देगा, जो हमारा 500 केवीए का जनरेटर होगा, मतलब वो 399 किलोवाट देगा या इसी को आप कह सकते हैं 695 एम्पियर। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस टॉपिक पे, जब आप अब इसको आप एचवीए में बदल सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो यह किलोवाट में जो वैल्यू आ गई है इसको अगर हम एचपी में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक एचपी इज इक्वल टू होता है 745.59 वाट, एक एचपी बराबर इतना होता है। तो अब इसके बाद देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है उस फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे तो हमारा एचपी हमारा निकल आएगा। तो देखिए पावर एचपी इज इक्वल टू पावर किलोवाट बटे 0.745699, इतना है। ठीक है, इस फार्मूले पे आप रख देंगे तो आपका एचपी निकल आएगा। तो देखिए अब इसको हम कितना है हमारा, कितना किलोवाट आया है, आया है 399.64 बटे 0.745699। ठीक है, अब इसका आप जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा लगभग 535 एचपी। ठीक है, तो अगर आप इसको एचपी में यदि आप बदलते हैं तो लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो 500 केवीए का जो हमारा जनरेटर है वह अगर एम्पियर होगा तो 695 एम्पियर देगा, उसको अगर हम किलोवाट में निकालेंगे तो 399.64 किलोवाट देगा, और अगर उसको हम एचपी में निकालेंगे तो 535 एचपी की पावर देगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों इस प्रश्न का जवाब कि 500 केवीए का जो हमारा जनरेटर है वह 415 वोल्ट दे रहा है तो वह कितना एम्पियर, कितना किलोवाट और कितना एचपी के सप्लाई देगा हमको, कितना उतनी कितनी पावर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिन जिन साथियों ने इस टॉपिक पे कमेंट किया था उनको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर तो करिएगा ही करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए मिस ना हों और आप सबसे पहले उन वीडियोज़ को देख पाएं जैसे ही वो अपलोड हों। और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो जिसका जवाब आपको ना मिल पा रहा हो तो निश्चित ही आप तुरंत इस किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप वहाँ पर जा करके कमेंट करिए कि आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, तो मैं निश्चित ही उस टॉपिक पर एक अच्छा सा वीडियो बना करके जो कि आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगा वो वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा जिससे आप आसानी से उस सारी समस्याओं का समाधान आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को पूरा का पूरा दोस्तों
ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।